अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबसुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ब्रीथिंग जो है आप लोग जानते होंगे कि सांस अंदर लेके जाना, बाहर लेके जाना, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं सिंपल अल्फाज में। पर यहाँ पे एक्सरसाइज इसके ऊपर क्या असर डालता है, यानी इसके ऊपर कौन सा इफ़ेक्ट डालता है, इसकी रेट को इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। रेट का मतलब ये है कि इसकी जो मतलब जो सांस अंदर जाना है और बाहर जाना है इसको तेज़ कर देता है, इसकी रेट जो है, इसकी स्पीड जो है वो तेज़ कर देता है या कम कर देता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, इसके अलावा क्रिकेट खेलते हैं या दौड़ते हैं, चलते हैं, तो उस वक्त ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी तेज़ हो जाता है। अब तेज़ तो होता है, ये हर बच्चे को, किसी अनपढ़ आदमी को भी पता है कि यहाँ पे सांस तेज़ हो जाती है, सांस अंदर और बाहर तेज़ जाती है। पर इसके पीछे जो रीज़न है वो हर किसी को पता नहीं है। वो आप लोग जो स्टूडेंट है जो इसको पढ़ रहे हैं उसको भी पता है, जो टीचर है उसको पता है, हर बंदे को इसके पीछे जो रीज़न है उसका पता नहीं है। तो कहानी कुछ इस तरह होती है कि हमें मालूम है कि सेलुलर लेवल पे, यानी जब हम सांस लेते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी तोड़फोड़ हो सके। यानी जब हम चलते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उस वक्त या किसी रेस्ट पोजीशन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है, C6H12O6 फॉर्म में होती है। अब इसको ब्रेक डाउन करना, यानी एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर होती है, पर इसके अंदर जो स्टोर होती है उसको हम कैसे निकालेंगे, हमारी बॉडी कैसे उसको निकालती हैं, उसको कुछ इस तरह निकालती हैं कि जो हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन इनटेक करते हैं यहाँ पे, ये इसकी ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में इसकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती हैं। एक प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये हमारी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वाटर जो है ये कभी हम रिमूव करते हैं या कभी कभार यूज़ होती हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो तो यूज़, अगर यूज़ ना हो तो फिर हम पेशाब के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, पसीने के ज़रिए निकाल दें। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इस एनर्जी के ज़रिए हम अगर रेस्ट पोजीशन में हो फिर भी थोड़ी बहुत एनर्जी लगती हैं, तो ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, जो भी करते हैं इस एनर्जी की बदौलत हम करते हैं। और एनर्जी इस ग्लूकोज में स्टोर होती हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन होती हैं। तो ये है कुछ कहानी, ये हमारे पास एनर्जी जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, या पहले आप लोग नोट करें, जब रेस्ट पोजीशन में हैं हम तब भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे ये कम मिकदार में होता है। इसी वजह से हमारा जो सांस लेके अंदर लेके जाना है, बाहर जाना है, ये भी कम होता है। यानी ब्रीथिंग की जो रेट है वो पर मिनट कितना होगा रेस्ट पोजीशन में, ये कभी कभार MCQs में आता है, इसी वजह से आप लोग इसको लाजमी नोट करें। तो रेस्ट कंडीशन में रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है, यानी सांस अंदर लेके जाना, बाहर लेके जाना, ये एक मिनट में 15 या 20 टाइम जो है ब्रीथिंग होता है। यानी 15 से 20 दफ़ा हम सांस अंदर लेके जाते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं, लेकिन ये रेस्ट कंडीशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप लोग सोच ले, कम हो रहा है ब्रीथिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, इसी वजह से ब्रीथिंग का मेकनिज़म भी कम है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, ग्लूकोज की तोड़फोड़ नहीं होगी, इसी वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, इसी वजह से फिर यहाँ पे जो ब्रीथिंग का मेकनिज़म है वो भी कम होगा। पर जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मान लो आप दौड़ते हैं या फुटबॉल स्टार्ट करते हैं, गेम खेलते हैं, तो तब क्या होता है? तो तब इस तरह कारोबार होता है कि यहाँ पे जब पहले पहले इनिशियली हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम ब्रीथिंग इतना तेज़ नहीं होता। जब तेज़ नहीं होता वहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन होती हैं, एनर्जी लगती हैं, पर ब्रीथिंग का मेकनिज़म इतना तेज़ नहीं होता। पर उसी टाइम खून में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती हैं, यानी जब ये रिएक्शन बार बार होगा,
एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो इसकी खून में मिकदार ज़्यादा हो जाएगा। जब खून में मिकदार इसका ज़्यादा हो जाएगा तो खून तो गर्दश करता है, सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करेगा तो यहाँ पर मेडुला ओब्लॉन्गेटा जो है इसके ऊपर जैसे ही लगता है खून, उसको पता चलता है, ये डिटेक्ट करता है मेडुला ओब्लॉन्गेटा कि यहाँ पे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। अब ये मेडुला ओब्लॉन्गेटा आर्डर देता है, क्या देता है आर्डर, किस चीज़ को, यहाँ पे जो रिब्स है इसको और डायफ्राम जो है इसको आर्डर देता है। किस तरह आर्डर देता है, इस तरह आर्डर देता है कि आप कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ज़्यादा तेज़ करें। जब तेज़ होता है यहाँ पे रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन, तो ब्रीथिंग का मेकनिज़म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पे ये तेज़ हो जाता है तो ब्रीथिंग का मेकनिज़म भी तेज़ हो जाता है। अब ब्रीथिंग का मेकनिज़म अगर डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेडुला ओब्लॉन्गेटा जैसे ही खून में कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करता है, इसको ऑर्डर देता है कि रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन तेज़ करे। जब तेज़ करे तो सांस भी तेज़ी से अंदर और बाहर जाएगा। जब सांस तेज़ी से अंदर और बाहर जाएगा तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में निकलेगा, यानी जो खून में है वो एल्विलस में डिफ्यूज़ होके कैपिलरीज में आके एल्विलस में डिफ्यूज़ होके फेफड़ों में जाके बाहर फेंकेगा, एक्सहेल करेगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे खून में ऑक्सीजन की भी कमी होगी क्योंकि यहाँ पे बार बार ऑक्सीजन यूज़ होता है यहाँ पे ग्लूकोज तोड़ता है, पर टाइम इस तरह आता है कि इसमें इसकी कमी आ जाती है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस टाइम ऑक्सीजन भी डिफ्यूज़ हो जाता है एल्विलस से कैपिलरीज में, यानी खून में आ जाती है ऑक्सीजन, और फिर खून में क्या होता है, ये खून लेके जाता है ऑक्सीजन को सेल तक और फिर यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। पर उस टाइम यानी एक्सरसाइज के वक्त यहाँ पर जो रेट है वो 15 to 20 नहीं होगा, वो कितना होगा यहाँ पे उसको नोट करें। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट, यानी 15 to 20 से इंक्रीज़ होके 30 मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 और इसके बीच भी हो सकता है, इतना रेट आ जाता है ब्रीथिंग का, यानी सांस अंदर लेके जाना और बाहर लेके जाना। तो यहाँ पे क्यों तेज़ होता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, इसका निकलना ज़रूरी है, इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, इसको अंदर लेके जाना ज़रूरी है, इसी वजह से यहाँ पर ब्रीथिंग का मेकनिज़म तेज़ हो जाता है। और कौन तेज़ करता है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, किसके ज़रिए यहाँ पे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है उसकी कंसंट्रेशन डिटेक्ट करता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा हो गई, तो ये ऑर्डर देता है किस चीज़ को, रिब्स को और डायफ्राम को, और वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्पीड अप कर देता है। स्पीड अप करने के ज़रिए यहाँ पे ब्रीथिंग का मेकनिज़म भी स्पीड अप हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।